हेलो एवरीवन, टू ऑल माय जेआरएफ एक्सपीरियंस, माय सेल्फ विनीत आनंद। और आज इस वीडियो को बनाने का जस्ट मकसद ये है कि हम आप लोगों को कुछ मैसेज दे सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट 15 डेज में एग्ज़ाम होने वाली है जेआरएफ का फॉर 2023। और इस 15 दिन में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर का माहौल होगा, मतलब ऑब्वियस है कि जब 15 दिन में एग्ज़ाम हो, और हमको लगता है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है, कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं एग्ज़ाम सही टाइम हो रहा है, कुछ लोगों को लगता होगा एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो भी हो कि अब तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, और बेहतर होगा कि इस नोटिफिकेशन के साथ स्टिक रहिए कि डेट चेंज हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ ऐसा डाउट नहीं रखिए। और हम कहेंगे कि 9 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके माइंड में रखिए, आप पूरा अपना प्रिपरेशन उसका प्लानिंग कीजिए। तो आज 24 लगभग हो चुका है, 24, तो आज से 15 दिन बचा है एग्ज़ाम में। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से तैयारी करना है। मतलब क्योंकि जब लास्ट 15 दिन बचा हो तो ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। लाइक आप कितने भी दिन से क्यों ना तैयारी कर रहा हो, सकता है आप पिछला 1 साल से तैयारी कर रहा हो सकता है कि आप 6 महीने से कर रहे हो, कोई कोई तो जैसे आप अभी 4th ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कोई तो सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट कर चुका हो प्रिपरेशन। लेकिन ये 15 दिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, सो आप 1 साल पहले स्टार्ट किए हो, सो आप 6 महीना पहले स्टार्ट किए हो, या 2 साल पहले स्टार्ट किए हो, ये 15 दिन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस 15 डेज में जो भी अपना फुल एफर्ट डालेगा, और एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ जो काम करेगा, उसको पक्का है कि रिजल्ट में एक, क्योंकि एक स्कोर के बाद एक पार स्कोर जो होता है, जैसे कि आपको जो आपको 20-30 मार्क्स का एक लीड दे सकता है, जो कि एक पार स्कोर है, उसके लिए ये 15 डेज इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर पूरा एफर्ट लगाओ। क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस है कि अभी तक हर आदमी मतलब जो तैयारी कर रहा होगा वो 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा नहीं रोज, तब भी वो 3-4 घंटा अपना लगा रहा होगा। लेकिन इस 15 दिन में क्या वो 4 घंटा लगाना ये सफिशियंट है? क्योंकि अब हमको और आपको, आप लोग को पता है कि ये फिजिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, इट इज़ नॉट कि दो या तीन कोर्स है आपको कवर करना है, ऐसा नहीं है। इसमें लगभग 10th कोर्सेस है, और कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब लगभग सारे कोर्स से वो क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो भी क्वेश्चन जो तैयार होता है तो सारे कोर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। वो एक्वा कल्चर से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो आपका FPT से भी पूछेगा, वो FRM से भी पूछेगा, वो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से भी पूछेगा, वो एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट से भी पूछेगा। मतलब वो किसी भी पार्ट को अनटच नहीं रहता है जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है। तो ज़रूरी है कि आप सिलेबस कवर करें। मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस जो भी तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन बचाए तो ऐसा तो आई होप कि लगभग लोगों ने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। लेकिन यदि कोई सिलेबस से कुछ पार्ट बचा हुआ है तो कुछ टाइम देके उसको भी कवर करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि जो आप तैयार करके गए हैं उस पार्ट से टफ क्वेश्चन आ गया, जो कि नहीं बन रहा हो, और जो आप नहीं तैयार करके गए हैं उस पार्ट से ईजी क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आप क्योंकि टफ, आप वो पार्ट तैयार था लेकिन टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ था, और मे बी आप उसका चांसेस है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या फिर छोड़ना पड़े। लेकिन वहीं किसी पार्ट से ईजी क्वेश्चन आ गया था, आप उसको छोड़ के जा रहे थे, आप करके जाइए, उसके बाद आपको लगेगा कि ये पार्ट मैं सोचा था छोड़ने के लिए, लेकिन इस पार्ट से इजी क्वेश्चन आ गया तो मैंने बना दिया, तो वो होगा। इसलिए अच्छा है कि आप सारे पार्ट को कवर करें, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट छोड़ के जा रहा है पूरा सिलेबस। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कवर होना ज़रूरी है। आप जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कवर कर जाते हैं तो आप मतलब आधा से ज़्यादा काम तो वहीं कर दे रहे हैं जब आप पूरा सिलेबस कवर कर जा रहे हैं। उसके बाद बात है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस ये लास्ट 15 डेज में मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन ऐसा नहीं रहेगा कि आप फिर से पूरा का पूरा जो भी आप पढ़े थे उसको फिर से सारा का सारा रिवाइज करने की कोशिश करें। मतलब कोई भी जैसे हैंडबुक हो तो पूरा का पूरा हैंडबुक आप पढ़ रहे हैं एक फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, या ई कोर्स ऐसा पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि थोड़ा रिवर्स अप्रोच कीजिए। रिवर्स अप्रोच का मेरा मतलब है कि आप पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा, बहुत सारा टेस्ट सीरीज आपने दिया होगा, उसका बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास होगा, तो वो भी क्वेश्चन आपके पास है, जैसे हैंडबुक से रिलेटेड जो भी आपने दिया हो टेस्ट सीरीज, उसका क्वेश्चन आपके पास होगा।
इसके अलावा जो अलग अलग कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज होता है, एक्वा कल्चर, FRM, AHM, उसका भी आपके पास क्वेश्चन होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चंस को पहले उस क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए उस क्वेश्चंस के थ्रू, और जब भी आपको डाउट आए तब आप थ्योरी में जाइए। ये होता है रिवर्स अप्रोच, मतलब आप पहले क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम लास्ट 15 डेज का बात है, इसलिए लास्ट 15 डेज में आप पूरा का पूरा हर एक लाइन पढ़ के ख़त्म नहीं कर सकते। इससे आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा आपका टाइम का। तो बेहतर है कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस के बाद जब आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है या इस क्वेश्चंस को मैं बार बार गलत कर रहा था, तो उस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए। उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के बाद उसका जो भी उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो कोशिश कीजिए जान जाए, क्योंकि आप 15 दिन है, यदि कॉन्सेप्ट किसी कारण से नहीं भी समझ में आ रहा तब भी उस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, उसको मेमोराइज कीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए और ये बार बार फंस रहा है, तो मतलब एग्जाम में यदि फिर से वही क्वेश्चन आ रहा तो वो क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? एक तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट जब से NTA एग्जाम ले रही है, मतलब 2018 से लेकर अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। सारा क्वेश्चन आप सारा का सारा क्वेश्चन को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अब लास्ट 15 डेज में उस पार्ट को तो कवर करना ही है जिस पार्ट से लगातार NTA क्वेश्चन पूछ रही है, लास्ट 5 ईयर में जो NTA ले रही हो जहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है उसको कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि NTA क्वेश्चन पूछती है FRM में डेमर्सल या पेलेजिक पार्ट से कि कौन सा फिश का अबंडेंस किस रीजन में ज़्यादा है, या फिर किस गियर का यूज़ करके हम उसको कैच करते हैं, या फिर उसका फीडिंग हैबिट क्या है। इस तरह क्वेश्चन वो लगातार हर साल इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जब पता चल रहा है क्वेश्चन देखिए लगातार 3-4 साल से ऐसा इस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है आप उसको नोट कर रहे हैं, और जो भी ऐसा हो उसको मेमोराइज करना है आपको। मतलब आपको इस टाइम लास्ट में अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ एग्जाम आपको जाना है, ये नहीं कि आप कुछ रिसर्च करने लगे। लास्ट 15 दिन में ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो भी एग्जाम का डिमांड है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के अलावा जो भी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, अलग अलग जो टेस्ट सीरीज आ रहा है उस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज देता रहना है, टेस्ट सीरीज बंद नहीं करना। जो भी टेस्ट सीरीज अभी जा रहा है आप उसको भी देते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज दीजिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज का आपके पास क्वेश्चन जमा हुआ है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, उसमें भी जो भी क्वेश्चन में आप डाउट आ रहा है, क्वेश्चन में डाउट आने का मतलब नहीं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन में डाउट आने का मतलब है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है इसलिए पूछा जा रहा है और ये हमसे नहीं हो रहा है, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। आप अपना एक नोट्स बनाइए क्वेश्चंस को लेके कि ये मैं क्वेश्चन है जो हमसे बार बार फंसता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, और उस क्वेश्चन को कम से कम वो क्वेश्चन अगले बार गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये इतना आप पक्का कर लीजिए, उतना उस तरह से कि वो क्वेश्चन फिर से आए तो वो आपका गलत ना हो। ये क्वेश्चन को लेके यदि आपका अभी तक आपने जैसे मेरा टाइम मैं याद करूँ पिछला साल तक, तो पिछला साल जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम उससे पहले मैंने लगभग ऐसे 7-8 टेस्ट सीरीज तो लगभग मैंने दिया था, और यदि आपका हर एक टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए 7 एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज हो रहा है और यदि उससे आपको 1000 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो यदि ऐसा आप 7-8 टेस्ट सीरीज दे दीजिए ऐसा, तो आपके पास कम से कम 8-9 हज़ार क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8-9 हज़ार क्वेश्चन आपको याद करना है, लेकिन जब आप इतना दिन में इतना क्वेश्चन लगा चुके हैं तो बेहतर है कि उस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइए, तब वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा जो भी आप टेस्ट सीरीज दिए थे उसका, और ये लास्ट टाइम में वो सबसे अच्छा अप्रोच है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के थ्रू रिविज़न करना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस तो आपको कवर करना है, ये मैंने बात पहले बता दी कि सिलेबस आपको कवर करना है, किसी पार्ट को ऐसे छोड़ना नहीं है। जैसे कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स या क्या स्टेट से कितना क्वेश्चन आ सकता है, या स्टॉक असेसमेंट नहीं हो रहा तो क्या छोड़ दे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे FES वाला जो पार्ट, जिसमें एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स स्टेट्स ये सब जो पार्ट है, ये कम से कम आपको 15-20 क्वेश्चन ये श्योर शॉट है कि 15-20 क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। इसके अलावा स्टॉक से क्वेश्चन हमेशा हर साल बनता है, और जरूरी नहीं कि स्टॉक से वही क्वेश्चन बने जो टफ हो, क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन यदि 120 है तो अधिकतर क्वेश्चन जो होगा वो एवरेज क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होता है इजी, उसके बाद मीडियम होगा, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ होता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी एंड मीडियम पार्ट में आएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक से बचने का सबसे अच्छा तरीका कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाइए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए,
टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगा के जाइए। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट सीरीज ऑनेस्टली देना है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज का आंसर गूगल से खोल के दे रहे क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ये नहीं। टेस्ट सीरीज को ऑनेस्टली दीजिए आप। उसका ऑनेस्टी देने का है कि दूसरा, इसका दूसरा पहलू ये है कि आप उसको एनालाइज भी कीजिए। एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट सीरीज देना है। कि आप टेस्ट सीरीज तो दे दिए और आपका मार्क्स कुछ भी बन गया, एक्स वाई जेड कुछ भी मार्क्स आपका बन रहा है। अब आपको लगा कि ये मार्क्स तो ठीक है, अच्छा है, चलिए मेरा तो 320 बन रहा है, 340 बन रहा है, कुछ मार्क्स बन रहा है, तो अच्छा ये हो ही जाएगा ऐसा करके। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आपसे और वो क्वेश्चन जो लगातार लगभग लगभग एग्जाम में जिस पार्ट से आपका लगातार क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पार्ट को आपको जाके उस पार्ट को कवर करना है। और वो क्वेश्चन और वो पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्वेश्चन अगले बार फिर आए तब से गलत नहीं होना चाहिए। इस बात को कम से कम आपको फोकस करना है। तो ये है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना है। आपका मार्क्स भले ही 250 आ रहा हो, 220 आ रहा हो, या 320 आ रहा हो, 350 आ रहा हो, आपको हर पेपर देने के बाद उसको एनालाइज करना है कि इस पेपर में क्या ऐसा पार्ट था जिस जो मेरा गलत हो रहा बार बार, और उस पार्ट को आपको तैयार करना है। क्योंकि यही, वरना फिर उस टेस्ट सीरीज को देने का कोई मतलब नहीं है, उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं यदि आप उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज देना है और ऑनेस्टली देना है, और उसको एनालाइज भी करना है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को, कि कहाँ आपसे गलती हो रहा है, उस पार्ट को स्ट्रांग करना है। इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको एक अलग सा नोट्स बनाना है, अब से लेके जो लास्ट तक है एक अलग सा नोट्स सिर्फ क्वेश्चन के लिए है। वो मतलब जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है क्वेश्चन, उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन करने के बाद जब रिवीजन करना होता है उस चैप्टर को या उस पार्ट को, तब वहाँ से कर रहे हैं। सो वो हैंडबुक के लिए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, या ई कोर्स का अलग अलग सब्जेक्ट FRM, AEM, FPT, AHM, इसका अलग अलग एग्जाम दिए, तो उसका भी क्वेश्चन हो आपको तैयार करना है। तो सिलेबस कवर करने का बात हो गया, टेस्ट सीरीज का बात हो गया है। हम बात करेंगे कि और कौन कौन सा पार्ट आपको लास्ट टाइम फोकस करना है, कि लेटेस्ट जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हो ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी हो, CMFRI, CIFRI, इनका जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स, न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स, उसको आपको पता करना है। कि मतलब उसको गूगल करना है, देखना है कि कौन सा नया कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि वहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिशरीज से रिलेटेड JRF में आता है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है। इसके अलावा जो सोफिया का डेटा हो, सोफिया का डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिशरीज का जो भी डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। हर साल वो, पिछला साल जैसे वो हमने तैयार किया था 2020 का, उनका 2020 का भी क्वेश्चन आया था, वहाँ से 2018 का भी आया था। तो ऐसा हम मान के चलिए कि 2-3 डेटा रिलेटेड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा वो आएगा एग्जाम में, तो आपको वो तैयार करना है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं जो इफेक्टिव हो एग्ज़ाम के लिए, तो प्रेशर नहीं लेना। मतलब ऐसा है कि लास्ट मिनट में प्रेशर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप फोकस कीजिए कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। आप स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पे जाइए कि कौन सा कोर्स मेरा छूट रहा है। ऐसा कोई कोर्स यदि जिसमें मतलब बिल्कुल हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो कि इजी भी क्वेश्चन हो, तो उस पार्ट को कवर करना है, ठीक है। और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बात, ऐसा देखिए, और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अब लास्ट 15 डेज बचा है। अब जब लास्ट 15 डेज बचा है तो हो सकता है कि, क्योंकि आपको टाइम तो इसी 24 आवर में निकालना है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नींद का सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है कभी कभी लंच स्किप करना पड़े। मतलब क्योंकि आपको 15 दिन को यदि 30 दिन आप बना सकते हैं, इफ़ यू कैन कन्वर्ट दिस 15 डेज टू 30 डेज, और ये कैसे हो सकता है? आज तक आप यदि 3 घंटा 4 घंटा हर रोज़ पढ़ रहे थे, तो आप उसको बढ़ाइए, मतलब आप 12-15 घंटा तक जा सकते हो, क्योंकि 15 डेज है। जब लास्ट 15 डेज है तो इस 9 तारीख तक यदि थोड़ा कम सोते हैं, तो 10 तारीख तक आराम से सो सकते हैं ना, जब एग्जाम अच्छा जाएगा तो। लेकिन 9 तारीख तक आप यदि अच्छे से अभी तक पढ़े हैं, आपने यदि तैयारी आपका अच्छा है, आपका तैयारी यदि कम भी है, तब भी ये 10-15 दिन इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर होगा कि इस 15 दिन में थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आपका रिविज़न में जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में जाए, और कितना ज़्यादा देर तक आप चेयर और टेबल लगा के और कर सकते हैं प्रैक्टिस, ये दिखेगा आपका एग्ज़ाम के दिन। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम का दिन आपके लिए इजी होगा। एग्ज़ाम का पेपर यदि आपको इजी लग रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा था। तो बेहतर है कि अभी ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्ज़ाम का दिन आपके लिए टफ ना हो। तो आप लास्ट 15 डेज को टफ बनाइए,
ताकि 9 तारीख को आपको टफ ना लगे। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ा सा घूमना बंद कीजिए, थोड़ा सोना कम कीजिए, और उस तरह से तैयारी कीजिए जो कि बहुत इफेक्टिव। और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना है जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट टाइम में, उस टॉपिक को आपको बिल्कुल कवर करके जाना हो, चाहे वो सब्जेक्ट आपको पसंद हो चाहे वो सब्जेक्ट आपको पसंद ना हो, फिर भी आपको वो कवर करके जाना है। यही था मेरे तरफ से मैसेज। एंड ऑल ऑफ यू गाइज हैविंग ऑल ऑफ यू गाइज आई से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अपने दिमाग में ये ना रखें कि हमको ये कॉलेज आना है, कि CIP आना है, कि मुंबई आना है, कि मेरा रैंक क्या होगा। आपको मेनली फोकस करना है प्रोसेस पे, आपको मेनली फोकस करना है क्वेश्चंस बनाना है, अभी आपको फोकस करना है कैसे हम सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर पाएँ, ना कि ये सोचने में टाइम देना है कि मेरा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छा से उनका तैयारी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम में वो एक्स्ट्रा प्रेशर ये सोच के बना लेते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कि मेरा रैंक क्या होगा, कि हमको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये नहीं सोचना है, ये 15 दिन ये सोचने के लिए नहीं है। ये सोचने के लिए 9 तारीख के बाद 10 तारीख से लेकर रिजल्ट तक में आप आराम से बैठ के सोचिएगा। ये अभी सोचने का समय नहीं है, ये समय है कि आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, पूरा का पूरा स्मॉल डिटेल्स में जाइए कि क्या चीज़ जहाँ हम कम मेरा थोड़ा भी कमी हो रहा है कोई भी ऐसा जगह पे, तो उसको हम कंप्लीट करें, वो पार्ट वन कंप्लीट करें, अच्छे से करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को सोच के ना रिजल्ट। ये पता है कि ये होता है, लेकिन यही तो टेकल करना है लास्ट टाइम में, यही टेकल करना इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर ना बने। लास्ट नाइट तक आपको पढ़ना है, और बिना मतलब कम से कम इस बात को सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वो तो जब आपको सोचने से तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो सकता है, वो होगा उस दिन। तो आप बेटर यूटिलाइज कीजिए इस 15 डेज का, कोई भी प्रेशर ये सब सोच के नहीं लेना है। और जब आप ये सब सोच के प्रेशर नहीं लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये आपका रिजल्ट में दिखेगा। सो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड रिजल्ट इज जस्ट द आउटकम ऑफ द प्रोसेस यू विल फॉलो। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, आई होप हम लोग मिलेंगे यहीं पे, जब आप फॉलो कीजिएगा हर वो चीज़ जो हमने डिस्कस किया। ऑल द बेस्ट अगेन, और मैं थैंक्स कहूँगा पंकज को भी, पंकज जिसका ये चैनल है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं इस चैनल के लिए, आप लोगों के लिए फिशरी से रिलेटेड डेटा एक्सपेक्ट जो भी फिशरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और ताकि आप लोग को आगे भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे। अगेन ऑल द बेस्ट एवरी वन, और जो होगा अच्छा होगा, तो आप एफर्ट डाल रहे हैं। सो कोई आदमी आज से बस 15 दिन में ही पढ़ रहा है तो भी उसके साथ भी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।